पिछली दो मजालिस में तसव्वुफ के मामले में बुज़ुर्गाने दीन की कुछ नुकात अर्ज कर रहा था कि ये तज़किया और तस्फिया के लिए क्या क्या चीज़ें अहम हैं और बहुत ज़रूरी हैं। आज भी इसी सिलसिले में ये कर्ज करनी है। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब तालिब इल्म है सिलसिले में और कोशिश है, मुजाहदा है कि अल्लाह पाक इस रास्ते पे हमें कामयाबी के साथ गुजार दे। इन चीज़ों को जानना बहुत ज़रूरी है। जो बुज़ुर्गान दीन ने इन पर कुछ बातें बयान फरमाई हैं, आज जो है वो भी एक बहुत अहम नुक्ता है इसमें कामयाबी का राय हक पर। बल्कि ये समझें कि जो पिछली दो बातें अर्ज़ की थी उसके हिसाब से ये उनसे बहुत जामा और मुफीद है। बल्कि बुज़ुर्गान दीन ने इसको फरमाया कि ये खुलासा है सारे तज़किया और तसव्वुफ का, तो इसको बहुत अहमियत से सुनना चाहिए। अल्लाह ताला हमें इस पर अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। ये अमल जो है अल्लाह पाक ने कुरान करीम में भी इसका इरशाद फरमाया है, इन्नल्लज़ीन आमनू इन्नल्लज़ीन क़ालू रब्बुनल्लाह। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं इस आयत करीमा में, जिसका तर्जमा और मफहूम बुज़ुर्गान दीन ने इरशाद फरमाया है कि जब अल्लाह सुभान व तआला क़ालू रब्बुनल्लाह ये तौफीक नसीब फरमा दें कि अपने फजल और करम से सीधे रास्ते पर चलने का, यानी गलत रास्तों पर था, नमाज नहीं पढ़ता था, बुरे हालात थे, अंदरूनी और बैरूनी हज़ारों गलतियाँ थीं उसमें, और समझ नहीं लगता था कि किस रास्ते पे चलें कैसे जाएं। अल्लाह अपने फजल व करम से उसको हिदायत की मंजिल तक पहुँचा दें और रास्ता दिखा दें, और किसी ऐसे मजलिस में ऐसी जगहों पर अल्लाह ताला उनको भेज दें जहाँ दीन का काम होता है, उसको समझ पैदा हो जाए। तो ये सिर्फ अनफ नहीं है, अल्लाह ताला ये फरमाते हैं क़ालू रब्बुनल्लाह,
ये तो ठीक है, अल्लाह पाक ने मुझे रास्ता दिखा दिया, पहुंचा दिया। बैठ के जिक्र करने लगे, तबलीग में जाने लगे, सैर रोज़ा लगाया, 40 रोज़ा लगाया। इसमें कामयाबी का जो रास्ता है वो क्या है, वो अल्लाह ताला बताते हैं कि कामयाब कौन लोग होते हैं इसमें। इसी पर ना इतफाक़ कर लें भाई, बस अल्हम्दुलिल्लाह में काम मिली है हम करेंगे, क्योंकि शैतान नफ्स इंसान के साथ मौजूद है। कौन लोग कामयाब होते हैं इसमें, अल्लाह ताला फरमाते हैं सुम मुस्तकाम, कि जब अल्लाह ताला अपनी तौफीक से किसी को ये फजल से करम से चीज़ें अता फरमा दे, तो उसके बाद जो सबसे बड़ी चीज़ है कामयाबी क्या है, सुम मुस्तकाम, कि राय हक का जब रास्ता मिल गया तो उस पर जम जाओ। बस फिर ये नहीं कि भाई कभी कर लिया कभी नहीं किया, कभी चले गए कभी सुन लिया, नहीं नहीं, अल्लाह ने फजल फरमा दिया, करम फरमा दिया, रास्ते पे बिठा दिया, उस पर अल्लाह ताला का हुक्म यह है कि फिर सुम इस्तकाम, इस्तकामत से फिर उसको पकड़ लो रास्ते पर, जम जाओ उस पर। यहाँ आदमी जो है इंसान गलती खा जाता है, शुरू शुरू का शौक शौक होता है आदमी का, किसी भी अमल पे करना शुरू करता है, कोई इबादत कोई वजीफा, बहुत जोश से इंसान शुरू कर देता है उस काम को, लेकिन आस्ता आस्ता फिर वो पीछे की तरफ चला जाता है, या उसको छोड़ देता है, या कभी नहीं करता। इरशाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि अल्लाह ताला को सबसे ज़्यादा पसंदा और महबूब अमल ये है कि बंदा थोड़ा करे लेकिन हमेशा करे। इसलिए ज़रूरी नहीं कि एकदम कोई आदमी है 100 नफिल पढ़ रहा है एक दिन में और फिर उसके बाद जो है आस्ता आस्ता ख़त्म हो रहा है। इरशाद फरमाया कि इससे बेहतर एक 100 नफिल पढ़ने वाला है जो उसने पढ़ा फिर छोड़ दिया, आस्ता आस्ता ख़त्म कर दिया, और एक आदमी जो 10 नफिल रोज़ाना पढ़ लेता है तो फरमाया वो उससे बहुत बेहतर है जो 10 नफिल पढ़ लेता है। अल्लाह के नज़दीक वो इंसान मकबूल है। तो जब भी याद रखें, अल्लाह पाक किसी भी नेकी की तौफीक अता फरमा दें, किसी भी नेकी की हमें अल्लाह ताला तौफीक नसीब फरमा रहे हैं कि चलो ला इलाहा पढ़ेंगे, सुभान अल्लाह पढ़ेंगे, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ेंगे, किसी नेक अमल पे चले गए, अल्लाह किसी सुन्नत की तौफीक नसीब फरमा देते हैं, इमामा पहन लिया, दाढ़ी रख लिया, कोई अल्लाह ताला मसवाक का अहतमाम कर लिया, अल्लाह ने तौफीक अता फरमा दी। तो अब उसके साथ ये काम नहीं करना चाहिए, कभी कर दिया कभी छोड़ दिया, कभी आ गए कभी छोड़ दिया, कभी ख़त्म कर दिया फिर चल पड़े, ये इस्तकामत खिलाफ है। अल्लाह ताला इसको नापसंद फरमाते हैं, इरशाद है कि इसको नापसंद फरमाते हैं। जब आपने देखा कि कोई रास्ता अल्लाह ने अता फरमा दिया तो कामयाबी इसी में है, क्या अभी मुस्तकीम तौर पर उसको पकड़ ले। जैसे हमारे जिक्र की मजलिस होती है इसमें हज़रात आते हैं, तो अब ये नहीं कि अभी कभी आगे कभी भाग गए, नहीं, चलो सारी मजालिस में ना आए आदमी सोच ले कि भाई चलो जुमेरात के एक दिन है उसको मुस्तकीम कर लेता हूँ, पक्का कर लेता हूँ, अपने हालात के मुताबिक महसूस फिर पक्का हो जाए, फिर तो अल्लाह सुबहाना तारा उसी के ज़रिए उसको कामयाब नसीब फरमा दे। बुखारी में एक हदीस पर बाप बांधा है इमाम बुखारी ने, उस पर मज़मून लिखा है कि एक शख्स था नबी पाक ज़माने में, उसने तहज्जुद का बड़ा तमाम शुरू किया, शुरू शुरू में खूब करता था, उसका आस्ता आस्ता बाद उसने छोड़ना शुरू कर दिया। किसी ने आगे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुर्शिद फरमाया कि जी ऐसा एक आदमी करता था तो आपने बहुत नापसंद फरमाया कि इसने बहुत गलती की, ऐसे ये तरीका गलत है। जब अल्लाह ताला को यही सबसे बड़ा मुजाहिद अल्लाह के रास्ते में कि राह हक में इंसान डाल दे और उस पर जम जाए, फिर दो दोनों जाए पक्का तरीके से, और ये सबसे बड़ा इम्तहान और सबसे बड़ा मुजाहिद है तसव्वुफ में। देखो वो तो आदत पड़ जाती है, आदत नमाज पढ़ लेता है, जिक्र भी कर लेता है, इबादत कर लेता है, नफल की भी आदत पड़ गई, लेकिन ये जो है इस्तकामत, अल्लाह ताला इसी आयत में फरमाते हैं कि असल इनाम जो मिलता है इंसान को किस में मिलता है, बेशक थोड़ा है भाई हम मसरूफ हैं काम नहीं कर सकते, चलो 10 तस्वीर कर ले आदमी, 5 तस्वीर कर ले, लेकिन करे रोज़ उसको, रोज़ करे, छोड़े ना, छोड़ा गया उसका फिर बरकत ख़त्म हो जाती है उस चीज़ की, फरमाते हैं और जो करता रहा बड़े इनाम आते हैं। अब देखनी ये चीज़ है कि आखिर इस्तकामत को क्या चीज़ ख़त्म करती है ताकि उस पर कंट्रोल करे आदमी, दो तीन चीज़ें। सबसे बड़ी चीज़ तो खुद इंसान का अपना नफ्स है, नफ्स शैतान है, बस वसवसे से पैदा कर देगा, चलो जी अब आज तो सुस्ती हो रही है बस कल से करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है इंशाल्लाह फिर अगले उसमें हम कर लेंगे काम, चले जाते हैं कभी ना करें। बल्कि अपने नफ्स को कंट्रोल करना पड़ेगा इंसान को, अपनी ख्वाहिशात को इस चीज़ पे, नहीं नहीं भाई जो कुछ भी है मैं तो करना है,
बल्कि यहाँ तो ऐसे भी कहा है कि अगर किसी इंसान को वजीफा है, जो कोई ऐसा नफिल छूट गया, तहज्जुद की आदत पड़ी है, इनकी गजा तो नहीं होती, लेकिन बुजुर्गान दिन फरमाते हैं इसकी तलाफी जरूर कर लें। सुबह को वजीफा हमने तस्वीर पढ़नी थी, अब इसको मामूली चीज़ें समझेंगे मैं 10 दफ़ा, बुजुर्गान दिन तो फरमाते हैं कि इसकी भी आदत पड़ जाए आपको कि 3 दफ़ा आपने ला इलाहा इल्लल्लाह कहना है, तो उस पर आप कायम हो गए, ये बहुत बड़ा वजीफा बन जाता है। तादाद ना देखें, अल्लाह ने हुक्म किस चीज का दिया, इस्तकामत का दिया, तादाद का नहीं दिया, तादाद का नहीं दिया, इस्तकामत का दिया। ठीक है भाई, मैं सोचता हूँ बड़ा मुश्किल है, क्योंकि अपने आप को देखना है, मैं अभी 3 दफ़ा पढ़ सकता हूँ, बस इसके आदत डाल ले भाई, मैंने 3 दफ़ा ला इलाहा पढ़ना है एक नमाज के बाद, बस इसी याद पड़ जाए, उसके ही इसी आयत के अंदर अल्लाह ताला उसका इनाम अता फरमा रहे हैं। हमेशा ही याद रखे इंसान के इस्तकामत से इंसान को। अब ये है कि भाई आज तो हमने बहुत लंबा वजीफा कर लिया या ऐसे काम कर लिया, उसके बाद कल इसको फिर छोड़ दिया, आज तो बहुत धूमधाम से सब चले गए दीन के किसी काम में भी, उसके बाद फिर रिवर्स मार गए, ढूंढते फिर रहे लोग भी किधर चले गए, तो नहीं, आस्ता आस्ता काम करें, लेकिन पाबंदी के साथ अब रेगुलर उसको काम करें। ये इतना बड़ा अमल बन जाता है, इतना बड़ा अमल बन जाता है। आजकल हमारे तो जहन में यही नहीं, किसी देखते करामत, किसी बुजुर्ग को देखे उसकी करामत क्या है, फला था, ये था, फला था, लेकिन कहा क्या गया है, इस्तकामत फाकुल करामत है। हज़रत गंगवी रहमतुल्लाह अर्शाद फरमाते हैं कि वली देखना है, अगर वली की पहचान ये नहीं है कि आप उसकी करामत देख रहे हैं या खौरिक आदत देख रहे हैं उसकी, ऐसी चीज़ है, कहती है वली की अगर आपने विलायत देखने और जाँचना है तो एक ही चीज़ से पता लगेगा, और वो क्या है कि वो अपने अमल पर मुस्तकीम में और बराबर उस अमल को कर रहा है, ना फ्राइज छोड़ता है, ना नफिल छोड़ता है, ना सुनन छोड़ता है, जो उसको आदत पड़ गई अल्हम्दुलिल्लाह, जो उसने अख्तियार कर ली चीज़ उसको उसने नहीं छोड़ना। मिसाल के तौर पर यह है कि हमने भी फैसला किया है कि असर की नमाज के बाद पहले हम 4 सुन्नतें पढ़ेंगे, और इस्तकामत हमने की इस पर, आप देखें उसका कितना बड़ा इनाम मिलता है इंसान को, और कभी छोड़ दी कभी छोड़ दी, क्योंकि ये असल चीज़ इस्तकामत जो है फ्राइज पर नहीं है, फ्राइज तो है ही, वो तो डंडे से पढ़ने ही पढ़ेंगे हमें, कौन छोड़ सकता है फ्राइज, किस तरह नमाज छोड़ दे आदमी, सवाल ही पैदा, नमाज तो पढ़नी है। असल इस्तकामत जो है कोई नफिल इबादत इंसान को ले, कोई मुस्तहब को सेलेक्ट कर ले, जैसे भी मैंने कहा चाश्त पढ़ा करूंगा, इशराक पढ़ा करूंगा, या कोई नफिल, बड़े अल्लाह ने इनाम रखे हैं नवाफिल के अंदर, कितने बड़े बड़े इनाम है, तो उस पर यह है कि फिर ये नहीं कि बिचो रमजान में तो बहुत जोर लग गया, रमजान है तो फिर गायब फारिग हो गए, नहीं, किसी अमल को लेना है तो मुस्तकिल लेके चले जाओ, अब वो अमल इतना बन जाएगा लाख करामतों से बेहतर वो अमल होगा जो इस्तकामत के साथ किया जाएगा। हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह तशरीफ रखते थे, 1 साल नहीं 2 साल नहीं 20 साल एक आदमी उनके पास आया, 20 साल, 20 साल के बाद उन्होंने कहा हजरत मैं तो जा रहा हूँ, तो चीज़ देखी नहीं मैंने, कभी क्या देखी, कि कोई करामत नहीं देखी आपके, हमने सुनते थे बुजुर्गों के पास जाते हैं तो बड़ी करामत होती है, दिल के हाल बताते हैं, फलां करते हैं, ये करते हैं, तो हमें तो कुछ आपने देखा ही नहीं, मैं तो अब वापिस जा रहा हूँ 20 साल के बाद, उसने कहा। तो हजरत फरमाया अच्छा इसीलिए आए थे तुम, इसलिए आए थे करामत देखनी थी, करामत देखनी थी। अच्छा मैं तुझसे एक सवाल भी करता हूँ कि 20 साल में तूने कभी मुझे देखा कि मैंने किसी अमल को तर्क किया हो, मुस्तहब से लेके सुन्नत से लेके, फ्राइज तो ही फ्राइज, कोई अमल 20 साल मुझे बता मैंने तर्क किया हो, कहता हाँ ये तो मैंने देखा, जो अमल था आपका पुकम्बल था, मुस्तहकम था, 20 साल तक मैंने नहीं देखा कि किसी अमल को आपने छोड़ा हो, मैं इससे बड़ी करामत और क्या होगी, इससे बड़ी करामत हो सकती है, बहुत मुश्किल। और इसी करामत पर अल्लाह ताला फरमाता है जब इंसान मुस्तकीम हो जाए, जैसे मैंने कहा 3 दफ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह कहने मुस्तकीम हो गया, इस्तकामत थी सारी जिंदगी उसने उसको पकड़ा, अल्लाह ताला फिर इरशाद फरमाते हैं कुरान के अंदर सुम्मा इस्तकाम, जिसने इस पर इस्तकामत कर ली अपने अमल पर, तो अल्लाह ताला कहते हैं फिर क्या होगा इनाम उसका, सुभान अल्लाह तनज़्ज़ुल मलाइका, फिर अल्लाह के फरिश्ते उस पर नाजिल होते हैं, उस शख्स पर बड़ी तफसील लिखी है इस पर, अल्लाह के फरिश्ते उस पर नाजिल होते हैं, यानी एक रूहानी कनेक्शन अल्लाह के साथ उसका जुड़ जाता है, ये पहला इनाम अल्लाह पाक ने पता फरमाया है। मुफस्सिरीन इस पर लिखते हैं कि जब तक इंसान जिंदा रहता है तो फरिश्तों को नाजिल होना क्या है, उसके लिए हमेशा उसके लिए दुआएं करते रहते हैं, उस पर रहमतें भेजते हैं उसके हर अमल पर फेल पर, अल्लाह के नाम देने इस्तकामत को दोस्त, हमें सोचना चाहिए इस चीज़ पर, ये नहीं कभी कभी आ गए, कभी छोड़ दिए, कभी बैठ गए,
कभी सुन्नत को साथ कभी इस्तेमाल कर सुन्नतों पर चल पड़े नहीं, इसका काम नहीं चलेगा, याद रखना है। वरना तसव्वो में इंसान अल्लाह राय हक पर नहीं जम सका, फेल हो गया। तनसुल मलाइका तुरता करम, फरिश्ते आएंगे जिंदगी में क्या है उस पर रहमतें भेजते रहेंगे, उसको पता भी नहीं लगेगा, उसके काम सारे सीधे होने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि अल्लाह के फरिश्ते रहमतें भेज रहे हैं। बीमार है तब भेज रहे हैं, परेशानी में तब भेज रहे हैं, मुश्किल में तब भेज रहे हैं। तो पक्का कर लें अल्हम्दुलिल्लाह कि जुमेरात पक्की है, वादा जुमेरात पक्की है कि इस पर तो इस्तकामत करें नहीं, कसम से अल्हम्दुलिल्लाह। कोई शरीर मजबूरी हो जाए तो वरना नहीं, जब तक अल्लाह ताला तौफीक दे तो समझो भाई हर जुमेरात को हमने आकर अल्लाह के जिक्र में जरूर बैठ रहे हैं। इस तरीके से एक ही एक क्या पूरे हफ्ते में एक पर इस्तकामत कर ले आदमी, ये भी बहुत बड़ी चीज है। तो फरमाते हैं फरिश्ते नाजिल, फिर जब मरता है तो उस वक्त भी फरिश्ते नाजिल होते हैं उस पर, और उसकी मौत बिल्कुल डिफरेंट होती है। बड़े खूबसूरत रूहानी फरिश्ते आते हैं जो उसकी रूह को लेकर चलते हैं। कब्र में जाता है तो फिर तनजुल मलाइका, तो वहां भी फरिश्ते उसको इनाम लेकर आते हैं उसके लिए कि तू इस्तकामत करने वाला शख्स था, फेल पर। अब फरमाते हैं जब कब्र से उठाया जाएगा तो उस वक्त भी फरिश्ते जो है उसका इस्तकबाल करेंगे उठते वक्त। इस्तकामत का फल है आप देखें, इसी तरह किसी चीज को छोड़ के फिर हम करें छोड़ के करें नहीं, उसमें इस्तकामत करें। तनजुल मलाइका इस तरह उतरते हैं फरिश्ते उस पर अल्लाह ताला कहते हैं, और फिर फरमाते हैं कि जिस वक्त मौत हो जाती है फरिश्ते जाते हैं तो फिर उसको तसली देते हैं। अब ऐसे मुकाम पे आप जाएं जैसे हम किसी ऐसी जगह पर चले जाएं जहाँ हमारा कोई जानने वाला नहीं है, ऐसे गांव में ऐसे बस्ती में चले जाएं, सबसे पहले हम सहारा ढूंढेंगे या कोई आदमी मिल जाए तो हमें पता चले भाई आप यहाँ चले जाएं, सड़क पर चले जाएं, ज़रूर जानने वाले को देखते हैं भाई कोई है, कोई है बड़ोच का आदमी जिससे कोई बात कर लें, कोई है गुजराती आदमी जिधर जाए आप कनाडा चले जाएं तो सबसे कोई नज़र आ गया आपको बड़ोच का, ओ माशाल्लाह सब कोई भूल जाता आदमी भाई ये तो अपना आदमी है बस ठीक है। एक आदमी नजर आए तो पूरे इंसान का सफर बहुत आसान हो सकता है, मेरी बस्ती का आदमी मुझे मिल गया। तो वहाँ क्या होगा जब कब्र की रात आएगी, जैसे अभी आपने जनाजा देखा जिंदा थी बेचारी थोड़ी देर पहले ज़मीन के ऊपर थी, अल्लाह ने कितना मौका दिया हुआ था, कितना उसके लिए दरवाजे खोले हुए थे, कितने कि आज मौत से आज के एक दिन घंटा पहले, और उसने किया होगा अल्हम्दुलिल्लाह। वो अल्लाह से कहते हैं अल्लाह ताला मुझे माफ़ फरमा दे, मुझसे बड़ी गलतियाँ माफ़ कर दे, अल्लाह ताला सारी जिंदगी को माफ कर देता एक घंटा पहले मौत से। अभी ये बीबी गई है, अल्लाह ताला की रहमत नाजिल फरमाए, अब कब्र के इम्तहान शुरू हो गए, सब पीछे रह गए, अभी जाएंगे लोग सब छड़ जाएंगे, अभी रात का छोड़ो अब एक अंधेरी कोठरी आ जाएगी, वो कब्र आ जाएगी, या मोमिन के लिए जन्नत है या जहन्नम है। कितना बड़ा हमारे लिए सबक है, वो तो चलेगी, इसके जनाजा था खातून थी, मैंने पूछा उनका जनाजा था आ रहा है कोई जा रहा है, दोस्तों कल हमारे भी जनाजा से उठना है। तो आज एक इतने बड़े अमल अल्लाह बता रहा है कि क्या है इसमें, बताएं किसी अमल को हम सेलेक्ट कर लें हम के रोज पढ़ेंगे और जिक्र से बड़ी चीज़ है, और अल्हम्दुलिल्लाह क्या है, चलते फिरते उठते बैठते हर हालत में आप कर सकते हैं, दीन के किसी काम में मशगूल हों आप, किसी काम में दीन के मशगूल हैं आप, उस काम के अंदर आप अल्लाह के जिक्र को जारी रखें कि भाई इसको तो हम करना ही है, एक तस्वीर कर लें चलो खुशम, उस तस्वीर का पाबंद हो जाए, बीमारी हो हारी हो जुश भी हो सफर हो तो उस तस्वीर को पूरा करते रहें, इसको कहते हैं इस्तकामत। और उसका वादा अल्लाह पाक कर रहा है तनजुल मलाइका तो मैं फरिश्तों को भेजूंगा, और किसी जगह पर जहां कोई जानने वाला नहीं हुआ, और जब फरिश्ते आएंगे अल्हम्दुलिल्लाह तो बाद मुफस्सिर लिखते हैं कि बाद फरिश्तों की शक्लें ऐसी बना दी जाएंगी कि जो जिनको दुनिया में वो जानता था महबूब करता था। ज़ालिक अल्लाह भी अजीज, अल्लाह के लिए कुछ मुश्किल तो नहीं है, इसलिए कि अल्लाह ताला उस बंदे से बहुत प्यार करना, इसको बिल्कुल फिक्र ना, वो कहते हैं फरिश्ते अल्लाह तहाफ़ुन व तहज़ुन तसलियां देते हैं, क्या कि तू फिक्र कर रहा है, तुझे किस चीज़ का काम है, कितनी बड़ी बात होगी, जिससे बीवी गई है तो अब कितना फिक्र होगा, वे कब्र है अंधेरी रात है बिच्छू मिलते हैं सांप मिलते हैं अजदाएँ मिलते हैं कौन से अजाब आते हैं, और जैसे उनको उतारे तो वहाँ तो रोशनी और फरिश्ते बैठे उनके सामने बैठे हों, और कहें बीबी क्यों घबराती हो तुम तो बड़ी अच्छी जगह आ गई हो, अल्लाह तखाफ़ुन व तहज़ुन, एक अमल जिस पर इंसान जम जाए तीतरे बड्डे न बने, अल्लाह कहा एक अमल पर इंसान बिक जाए तो अल्लाह का कितनी कदर है मुझे आप बताएं, उस कब्र में जाके फिर वो कितना उसकी तो वो कही ऐसी की तैसी इस दुनिया की, वो तो सब झूठा था, कितने मजेदार चीज़ है, तो बहुत ही मोहब्बत करने वाले लोग मिल गए, आदमी एक सेकंड भूल जाता है दुनिया को, एक लम्हा नहीं होता, कहता ये क्या दुनिया थी जिसमें फंसा हुआ था, क्या धंधा था, क्या झगड़े थे, क्या मुसीबत थी, क्या खटका था, अल्लाह मान ला इतनी बड़ी चीज,
कितनी इबरत की बात है, आप सोचें। अभी हमारे सामने ड्रामा हुआ है और कल का मुझे नहीं पता, अपना मौत को देर लगती है। अरे बस यूँ करता है आदमी, चलो भाई चलो ले चलो ले चलो, बोलो सुबला बोलो सुबला जी भाई, बड़ा जबरदस्त हार्ट अटैक हुआ जी, बस दुआ करें। इंटेंसिव केयर में सुबह खबर आती है, बोर्ड पर लिखा होता है जनाजा इतने बजे होगा। तो कैसी जिंदगी हम जाया कर रहे हैं, किस कदर वेस्ट कर रहे हैं, मुझे आप बताएं किस तरह वेस्ट कर रहे हैं। अल्लाह तखफन तहजन फरिश्ते आते हैं, उनको तसल्ली देते हैं, नहीं नहीं घबराओ मत भाई, ठीक है मामला बिल्कुल सही है। अल्लाह पाक फिर फरमाते हैं उसके साथ ही क्या इनाम हो जाता है, देते देते हैं, फिर अल्लाह ताला में इनाम बताते हैं किसके नाम में क्या देता हूँ, सुभान अल्लाह। जिसके लिए जो हमारा मकसद है, इस दुनिया जिस मकसद के अल्लाह ने हमें भेजा, जिसके लिए सारी जिंदगी हम दुआएं मांगते हैं, अल्लाह ताला उसकी बशारत देता है। फिर बशरू बिल जन्ना, सुभान अल्लाह, ऐ बंदे जा जन्नत तुझे मिल गई। अभी ये बीबी गई छोड़ी, अभी ये गई है तो वहां फिशते कहें जाओ तुझे जन्नत मिल गई, किस्सा खत्म तेरा, मुझे बताओ और क्या चाहिए। अब जन्ना अल्लाह तुम तुझे वधून, अल्लाह कहता है हमने वादा किया था तुमसे दुनिया के अंदर कि तुम इस्तकामत अख्तियार कर लो, गेम ना बनाओ, खेल ना बनाओ दीन को, अल्लाह के नबी की सुन्नतों के साथ खेलो मत, कभी रख ली कभी छोटी कर ली, कभी फैशन मार लिया, कभी इधर से कर लिया कभी उधर से कर लिया, कभी मां पहन लिया कभी छोड़ दिया, कभी ये बात नहीं, गेम ना बनाओ, इसका इस्तेज़ाह ना करो। बहुत बड़ी अल्लाह ताला का करम होता है, अल्लाह सुभान व तआला अगर किसी एक सुन्नत की भी तौफीक नसीब फरमा दे, ये कम है कि इस वक्त अल्लाह ताला ने हमें कितनी खूबसूरत रात के अंदर शबे जुम्मा के अंदर कितनी अजीम नात है, कितने बुलंद लम्हात हैं और कैसे औकात हैं, ये अल्लाह के नूर की बारिशें हो रही हैं, हम सबको मस्जिद में बिठा के अल्लाह जिक्र करा रहे हैं। हम जैसे गुनाहगारों को तौफीक मिल जाए मुझे बताएं, और ऐसा अमल जिक्र में, आप ये देखें हज़रत शेख रहमतुल्लाह ने लिखा है, हदीस के अंदर लिखा है, फ़ज़ाइल अमाल में देखें कि यह एक ऐसा अमल है कि जैसे ही मस्जिद कायम होती है तो फरिश्तों का हजूम लग जाता है। शब जुम्मा हो भी रजब का महीना, रजब का जो चार खास महीनों में एक महीना है, अल्लाह के चार खास महीने हैं, उसमें से एक महीना है रजब का, बाबरकत इतना महीना है, आप अंदाजा लगा लें, क्योंकि इब्तदा ही से दुआ शुरू हो जाती है कि अल्लाह ताला हमारे रजब में और शबान में तो बरकत अता फरमा, तो कैसा महीना होगा, इसकी रात हो जुमे की रात हो और हम मस्जिद में बैठे हों, और अमल कैसा हो रहा हो कि जब वो अमल किया जाए तो फरिश्ते ऊपर से नीचे ढांप लेते हैं उस मजलिस को, तो अल्लाह फख्र करता है आसमानों पर उन लोगों पर जो उस मजलिस में बैठे हुए हैं, सुभान अल्लाह। और फिर जब मजलिस खत्म होती है तो अल्लाह ऐलान करता है मैंने सबको बख्श दिया की मजलिस, ये अल्लाह की नेमत नहीं है दोस्तों, अगर हम इस पर इस्तकामत कर लें और हम कहें भाई वाह ये तो एक बड़ी चीज़ है, जब तक जिंदा रहेंगे इंशाल्लाह इस मस्जिद पे कायम ही रहेंगे यार, मगरब और अशर का टाइम क्या गुजरता है, वैसे ही बैठ जाते हैं गप्पे मार लेते एक कप चाय पी लेते इधर उधर दोस्तों से कर लेते, लेकिन इतनी उसके बाद मस्जिद से फिर उसमें कलमात इतने बड़े, उनकी सवाब अलग, हसबुनल्लाहु निमल वकील वला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह सुभानल्लाह वबिहम्दिही, जब एक एक कलमे के आप इनामात गिनना शुरू करें तो मैं कहता हूँ कि समुद्र बन जाए इंसान के इनामात के। ये क्या है अल्लाह का सब कुछ, क्या है अल्लाह का फजल हमारी क्या है, इसी तरह हम क्या है, हम तो कुछ भी नहीं है, गंदे कीड़े, हम तो गुनाहों के भटके हुए इंसान है। तो इंशाल्लाह आओ हम सब नियत करेंगे जब भी अल्लाह ताला कोई हमें नेकी के अमल तरफ लेके जाए तो उसके साथ सबसे पहले हम नियत बांध लें, इस आयत को हमेशा निगाह में रखें कि जो भी इस्तकामत कर गया अल्लाह ताला तीन इनामात उस पर उतार देते हैं फौरन फौरन, जिंदगी से लेके मौत से लेके आखिर से लेके जन्नत तक अल्लाह ताला खुशखबरी दे देते हैं, बशर जन्ना, मैंने तुम्हें जन्नत में पहुँचा दिया। अल्लाह ताला हम सबको उस पर करने की तौफीक नसीब फरमाए।